Hello everyone. Today we will discuss about minimum support price in India. So we'll start with why it was introduced and when it was introduced, going on to what actually it is and how it helps. Recently, MSP has been in news too much due to the farmer protests 2.0, which is ongoing with name of Chalo Dilli Chalo. So it started in 1960s when Green Revolution was introduced, mostly to encourage farmers to sow particular kind of grains. क्योंकि उस time पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि we had to import grains a lot. तो Green Revolution को एक push देने के लिए MSP was introduced. उस time पे commission की recommendation थी जिसके basis पे हुआ था and it mostly this topic forms a part of UPSC paper 3. गोइंग फॉरवर्ड तो अपन स्टार्ट करेंगे विथ व्हाट इज एमएसपी. एमएसपी होता क्या है, क्या पर्पस है और कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इसमें, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वेदर दिस क्रॉप इज कवर्ड अंडर इट और नॉट. तो ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं और यू नो मेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएसपी होता क्या है. ये एक प्राइस सेट होता है, गवर्नमेंट सेट करती है एक प्राइस, एक रिन्यूमरेटिव प्राइस कि हाँ ठीक है आपको इतना पैसा मिलेगा अगर आप ये प्रोड्यूस गवर्नमेंट को सेल करते हो. तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स को एक सेफ्टी नेट मिल जाता है कि ठीक है आप इतना आप ये बेसिस तो है ही, अगर आपको कोई और सेलर नहीं मिलता है तो आप गवर्नमेंट के पास जाके सेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्राइस पे. और ऐसा नहीं है कि ये प्राइस काफी कम होता है, काफी कंसिडरेशंस को देखने के बाद और काफी फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं ये डिसाइड करने में कि एमएसपी का प्राइस क्या होगा. ठीक है, क्यों होता है, पर्पस जैसा मैंने बताया, प्राइस स्टेबिलिटी इनकरेज करने के लिए, एसेंशियल क्रॉप्स को ग्रो करना जैसे कि राइस, व्हीट या फिर रागी या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर क्रॉप्स को, और फार्मर्स को के इंटरेस्ट को देखते हुए. फिर आगे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब हम ये लेके आए थे सब्सिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस के लिए. ठीक है, इसके अलावा अगर आप रीसेंट में देखोगे तो भी एमएसपी काफी न्यूज में रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने रीसेंटली 2007-8 लेवल से भी काफी हाई हाइक दिया है व्हीट के लिए. अदर देन दैट चार और क्रॉप्स पे भी हाइक किया है, उनका एमएसपी भी हाइक किया, बट यू नो विथ रेस्पेक्ट टू व्हीट इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट, इट इज 150 पर क्विंटल ज्यादा हाइक किया. और जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, उन्होंने रिकमेंड किया था विच वॉज रीनेम्ड एज सीएसईपी लेटर, जो कि अभी भी रिकमेंड करती है व्हाट शुड बी द प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप अंडर एमएसपी. ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया हमने, अब हम चलेंगे डिटर्मिनेशन. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि सीएसईपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है विच इज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड दिस एक्चुअली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. सो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलरली रिमेम्बर दैट दिस ओनली रिकमेंड्स द प्राइसेस बट द एक्चुअल डिसीजन इज टेकन बाय सीसीईए which is headed by Prime Minister. This is economic ministry hai, Commission for Economic Affairs, something like this. I'll exactly don't remember what's the CCEA ka full form. I'll put it here in the slides. So, apan dekhenge ki crops kaun-kaun se covered hai, theek hai? To iske andar 22 crops covered hai. 7 cereals हैं, paddy, wheat, barley, jowar, bajra and ragi. You should have a basic idea so that either you can eliminate or you know if you can remember it's well and good. ठीक है, pulses, gram, tur, moong, urad और lentils होते हैं, groundnut, mustard covered होता है, sunflower covered होते हैं, उसके अलावा cotton, copra, raw jute भी included होते हैं इसमें crops जो covered हैं MSP के अंदर. Implementation varied agencies are included in this. Food Corporation of India होता है जहाँ पे खरीद के government store करती है foods. Agricultural APMCs play a primary role in this, but APMCs are a different topic altogether.
So I have written very little about it right now. You should just know that APMC plays a little role in MSPs. Going on, क्या impact होता है, क्या positive impact होता है, इसका हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि price stability लाता है, like 2014-15 के around जो drought season था, तब काफी help किया MSP ने, so that like farmers were able to sell their produce at a particular rate. फिर जब problems आई थी, अभी COVID pandemic का time था, तब भी काफी help किया इसने income support में. So it's sort of a risk mitigation as well as income support. So you can write all those points and positive impacts. चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस अगेन देयर आर मेनी चैलेंजेस, राइट. सबसे पहला कि एक्सटेंट लिमिटेड है. क्या होता है कि पीपल आर मोस्टली फोकस्ड ऑन ग्रोइंग आप कह लो वीट या पैडी, क्योंकि दीज आर द टू क्रॉप्स जो ज्यादातर गवर्नमेंट बाई करती है, तो इसलिए एक्सटेंट इज वेरी लिमिटेड. इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो शांता कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2015 में, जिसके हिसाब से सिर्फ 6% जो MSP होता है वो रिसीव, मतलब फार्मर्स ओनली रिसीव 6%, तो 94% ऑफ द फार्मर्स डिड नॉट रिसीव द MSP एट ऑल, राइट. सो इट इज नॉट क्रिएटिंग, इवन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ वेरी यू नो वाइड इम्पैक्ट. सो दैट इज वन थिंग. सो यू कैन रिमेंबर द स्टैट्स फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, मतलब इट विल हेल्प यू. और अगेन एज आई वाज मेंशनिंग की फोकस फार्मिंग, पीपल आर फोकसिंग जस्ट ऑन वीट एंड पैडी, क्योंकि उस पर एमएसपी ज्यादा है एंड इट्स सिक्योर, राइट. तो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है कि पीपल आर नॉट ग्रोइंग रागी, मिलेट्स एंड एवरीथिंग, इवन दो एमएसपी इज देयर फॉर रागी एंड मिलेट्स, बट नॉट एवरी क्रॉप इज इक्वली एडेड इन द नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट, जिसकी वजह से एक्वायर नहीं करती है गवर्नमेंट. तो इस वजह से जो इकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल इम्प्लीकेशन हो रहे हैं ये हो रहे हैं. अदर देन दैट, जो एपीएमसीज है इसमें अभी भी देयर इज अ रोल प्लेड बाय मिडलमैन. सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन हैव अ फ्यूचर आउटलुक ऑन, दैट वी नीड टू चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अदर क्रॉप्स विच नीड्स टू बी एडेड, देन यू नो वी कैन मॉडर्नाइज द प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म सो दैट देयर इज नो मिडलमैन एंड पीपल यू नो द फार्मर्स कैन गेन मोर एंड मोर फ्रॉम इट. अदर इफेक्टिव वेज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, क्योंकि सारे क्रॉप्स को एमएसपी में लाना, अगेन इट विल बी अ फिस्कल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, तो हम सोच सकते हैं कि उसको और कैसे वैरी किया जा सके. तो हम सोच सकते हैं कि पीएम किसान जो अभी था 6,000 रुपीज फार्मर्स को दे रहे थे, इसका एक्सपेंशन बढ़ा सकते हैं एमएसपी हटा के, सो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट हैव टू स्टोर द फूड ग्रेन्स विद देम. एट द सेम टाइम द फार्मर्स गेट व्हाट दे एक्चुअली आर लुकिंग फॉर. फिर इंश्योरेंस स्कीम्स ला सकते हैं, ऐसी और भी चीजें ला सकते हैं. सो आई थिंक दिस कवर्स आर बेसिक्स ऑफ एमएसपी. एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया व्हेन यू आर राइटिंग, यू हैव द डेटा एंड यू विल बी एबल टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस आई बिलीव on in the prelims. I have framed two questions and the answers जो कि prelims में maybe आपकी help कर सकते हैं या फिर आपको basics at least understanding के लिए help कर सकते हैं. So let's go through them. First question is, which crops are covered under minimum support price in India? ठीक है, तो you can take 5 seconds. तो आंसर इसका होगा बोथ फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स, बिकॉज एज वी सॉ रॉक कॉटन एंड कोपरा इज एडेड, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश क्रॉप. सो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज सी, राइट. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट रीसेंट रिफॉर्म एम्स टू एनहांस मिनिमम सपोर्ट प्राइस इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, राइट. अगेन यू कैन टेक योर 5 seconds, गो थ्रू द ऑप्शंस. And the answer would be strengthening the MSP system and ensuring fair prices for farmers' produce. So with this, I